देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाकायदा मुलाकात तक की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के हलफनामे के बाद, जिसमें केंद्र की तरफ से कह दिया गया है कि साहब ये व्यवहारिक नहीं है जातीय जनगणना कराना, जेडीयू जो है वो इस पर निराशा जता रही है। जेडीयू के नेता हैं केसी त्यागी, एबीपी न्यूज से खास बातचीत उन्होंने की है, जरा उसे सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू नेता केसी त्यागी जी। केसी जी, सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया है सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना को लेकर। उन्होंने कहा कि 2021 की जनगणना, उसमें जातिगत जनगणना संभव नहीं है। इसे किस रूप में लेते हैं, क्योंकि आपके नेता नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं और उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग की है, ऐसे में आपको लगता नहीं कि निराशा है? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर के दिया गया एफिडेविट हमें चौंकाने वाला है, तकलीफ देने वाला है, स्तब्ध करने वाला है और निराशा पैदा करने वाला है। देश की लगभग सभी पार्टी, इंक्लूडिंग मेजर सेक्शन ऑफ द बीजेपी, डीएमके अन्ना डीएमके, एसपी बीएसपी, आरजेडी जेडीयू, सीपीआई सीपीएम, एनसीपी टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने जातिगत जनगणना कराए जाने की सिफारिश न की हो। इससे पहले जो ओबीसी है, जो मान्यता प्राप्त सरकार के द्वारा संवैधानिक संस्था है, बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसने संतुति की है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पॉपुलेशन, उसने संतुति की है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस समय समय पर कहते रहे हैं कि पिछड़ी जाति के आंकड़े संभव नहीं है, सरकार को उनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हम आशान्वित थे कि सरकार देश की 50% से ज़्यादा आबादी के साथ न्याय करेगी। हम सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे को लेकर के चिंतित भी हैं और दुखी भी। तो जेडीयू नेता को आप सुन रहे थे, केसी त्यागी साहब जो कह रहे हैं कि निराशा हुई है केंद्र सरकार के इस फैसले से। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी जातीय जनगणना को लेकर केंद्र के फैसले का विरोध कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में लालू प्रसाद यादव लिखते हैं, बीजेपी आरएसएस पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 60% से अधिक लोगों की जातीय गणना नहीं करा सकती, तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है, इनका बहिष्कार हो। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने आगे लिखा, बीजेपी आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आ जाएगी। जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार के फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी सांसद मनोज झा हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ऐसे फैसले जिससे फासला और बढ़े ना, ऐसे फैसले सरकार को नहीं लेने चाहिए। ये कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ये बहुजन चेतना, बहुसंख्यक आबादी की चेतना का सवाल, उनकी पहचान का सवाल, उनकी हकूक का सवाल है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जब इसको बिहार में उठाया, क्यों पूरा बिहार विधानमंडल भाजपा समेत उनके पीछे खड़ा हो गया? क्यों प्रतिनिधिमंडल को वक्त मिला प्रधानमंत्री जी से बात करने का? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कहूं कि जब 2010-11 में पैरोकारी की वकालत शुरू की लालू जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे देश में लहर हो गई थी। सरकार को ये समझना होगा कि लोग जानना चाहते हैं कि आपका बजट एलोकेशन कैसे होता है, समस्या कहीं और है और आपका खर्चा कहीं और हो रहा। इस तरह के सवाल, ये राजनीतिक सवाल नहीं है, ये आपके समावेशी विकास के सवाल हैं। अगर इन सवालों को खारिज करके आसमान में खुशहालियां टांग के दिखाते हैं ये विकास है, वो विकास लोगों को अब नहीं चाहिए, उस पर चर्चा नहीं चाहिए। लोग आपको मजबूर कर देंगे इस फैसले को वापस लेने के। संक्षेप में, क्यों ये अब जरूरी है? और जब पहला सेंसस हुआ तब सरकार ने कहा था कि जाति को बढ़ावा मिलेगा इससे, इसलिए इसको नहीं किया रहा, यही दलील दिया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब फर्स्ट सेंसस हुआ था पार्टीशन के बाद, 31 के बाद 41 में भी हुआ, लेकिन वो पब्लिक नहीं हुआ क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट का एक अलग पेस था। उसके बाद सरकार ने 51 में तय किया कि इससे बढ़ावा मिलेगा, हम उससे कतई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्या 51 के कई निर्णयों को आपने नहीं बदला? मैं सरकार से पूछता हूं, 51 में तय की गई हर चीज को अगर आपने मान लिया हो तो मान लूंगा आपकी बात। अब तो रवायतों को बदल रहे हैं, और ये अगर इतने वर्ष बाद, 70 वर्ष बाद लोग समझ रहे हैं कि विकास अपेक्षित नहीं है,
कई घरों में अभी भी अंधेरा है, कहीं किसी के लिए मखमली बिस्तर है, किसी के लिए चटाई भी नहीं है। तो ऐसे में क्या हमको जानना जरूरी नहीं है कि किसके पास चटाई है, किसके पास मखमली बिस्तर है? दरअसल बिहार से इसी जातीय जनगणना के मुद्दे पर सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल जिसने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और यह गुजारिश की थी कि जातीय जनगणना कराए मोदी सरकार। केंद्र ने अब जो जवाब दिया है उसके बाद बिहार बीजेपी के नेता भी असमंजस में पड़ गए ना। जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में बिहार सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेता जनक राम भी मौजूद थे। अब वो कह रहे हैं कि केंद्र ने जो फैसला लिया है इसको अभी इंतजार करना चाहिए, जरा देखना और समझना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिला था और उसमें जनक जी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में वो भी थे। प्रधानमंत्री के जवाब का आप लोगों को इंतज़ार था जातीय जनगणना को लेकर के। जो हलफनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में उससे ये साफ हो गया है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में अब आप लोग क्या करेंगे? मुझे याद आ रही है कि 3 घंटे के फिल्म देखने के पहले एक मिनट का ट्रेलर दिखाया जाता है। तो अभी तो विश्वास है, भरोसा है देश के शशि प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि 13 करोड़ बिहार की जनता, बिहार के शशि मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पे भरोसा और विश्वास किया और विपक्ष में बैठे भी नेताओं को भी विश्वास और भरोसा बिहार के शशि मुख्यमंत्री जी के ऊपर हुआ और बिहार के शशि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के सत्ता हो और विपक्ष हो, सभी लोगों ने हम देश के प्रधानमंत्री जी के समक्ष गए और अपनी सारी बातों को बिंदुवार रखा गया। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी का निर्णय ही सर्वमान्य होगा और उन निर्णय का इंतजार है। तो जब बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 13 करोड़ जनता, विपक्ष के भी नेताओं को आशा और भरोसा जगी तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी का निर्णय क्या आता है। इसी पर और चर्चा के लिए सीधे रुख करते हैं। दिल्ली से नीरज पांडे, लखनऊ से संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नीरज के पास लेकर चलते हैं और उनसे समझते हैं कि केंद्र सरकार के इस हलफनामे के सियासी असर क्या होंगे। देखिए रोमाना, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने फिलहाल जो फैसला लिया है वो इस आधार पर लिया है कि 2021 की जनगणना में इसे शामिल करना अभी फिलहाल जल्दबाजी होगा और वो सरकार ने साफ तौर पे ये कहा है कि इसको अभी इतनी जल्दी किया नहीं जा सकता क्योंकि जातियों के जो नाम है अगर उसकी अल्फाबेटिकल लैंग्वेज पर बात करें तो बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जो जिन पर डिफ्रेंसेस हैं। तो सरकार अभी इसको थोड़ा सा आराम से और या कहें कि पूरी पूरे तरीके से इसको करना चाहती, इसलिए अभी फिलहाल को लेकर चलती हूं। संजय, जो बात नीरज कह रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता है, सरकार एक तरीके से वक्त लेना चाहती है, लेकिन चुनाव में तो वक्त नहीं है, नुकसान उठाना पड़ सकता है सरकार को इस फैसले का, बीजेपी को खासतौर से यूपी में। बिल्कुल रोमाना, कुछ ही महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना बड़ा विषय रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर 2022 में उनकी सरकार बनती है तो वो उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना कराएंगे और अब जब केंद्र सरकार ने जिस तरह का हलफनामा दिया है उससे सभी दल निराश तो ही हैं, साथ ही साथ हमला भी बोल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है, मायावती ने साफ तौर पर ये कहा है कि केंद्र सरकार स्वार्थ की राजनीति करती है, उसकी कथनी और करनी में अंतर है। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इसमें हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का ऑर्डर किया है और उसको लेकर कानूनी राय लेंगे और जब 2022 में यदि हम सरकार में आते हैं तो निश्चित रूप से हम ओबीसी, खासकर चूंकि जातीय जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए वकालत की जा रही कि उनको जो उनकी आबादी है उसके आधार पर अधिकार मिले, तो अगर 2022 में समाजवादी पार्टी के लोगों का दावा है कि सरकार बनती है तो कुछ ना कुछ तोड़ निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर निशाने पर इसीलिए मोदी सरकार अब विपक्षियों के आ रही है क्योंकि खुद को पिछड़ों की सरकार, ओबीसी सरकार बताने वाली सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है कि जातीय जनगणना अभी व्यवहारिक नहीं। ABP News आपको रखे आगे।